नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं यातायात माह के शुरुआत की। नगर की ईशा नदी पुल से यातायात माह की शुरुआत की गई। यातायात माह की शुरुआत में मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक पहुँचे, जिन्होंने यातायात माह की शुरुआत किस तरीके से की है, आइए आप भी देखिए। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें ईशा नदी पुल पर आयोजित किए गए यातायात माह के शुरुआत के कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। प्रतिवर्ष की भांति 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत हो गई है, जो कि लगातार 30 नवंबर तक जारी रहेगी। वैसे तो प्रतिवर्ष यातायात माह की शुरुआत ईशा नदी पुल से की जाती है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ईशा नदी पुल से यातायात माह की शुरुआत की गई है। यहाँ यातायात माह के कार्यक्रम की शुरुआत में NCC कैडेट्स की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। यातायात माह की शुरुआत करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार पहुंचे थे, जिन्होंने सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद यातायात माह की शुरुआत की है। उन्होंने यहां मौजूद लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए संबोधित भी किया है, साथ ही उन्होंने यातायात नियमों से जुड़ी कई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार की ओर से संबोधन दिया जा रहा है, और अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, यह जरा आप भी सुनिए। हमारे सभी क्षेत्राधिकारी साथी, AIGO साहब, तुलसी ग्लोबल के श्री राम मोहन जी, तुलसी ग्लोबल के प्यारे बच्चे, NCC के कैडेट, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सारे सम्मानित, पहले मैं आज इस अवसर पर आप सबका आभारी हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इस ओपनिंग डे पे यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर माह जो होता है, प्रतिवर्ष यातायात माह के रूप में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, और पूरे माह में एक हम लोग कैलेंडर बनाते हैं और डे टू डे कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं, स्कूल में, सड़कों पे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ट्रैफिक अवेयरनेस, ट्रैफिक एजुकेशन के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक रूल्स, रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी देते हैं। उसी का आज ये ओपनिंग सत्र है। पुलिस अधीक्षक महोदय को भी शामिल होना था, लेकिन आज एक और लॉन्चिंग हो रही है आपके आगरा जोन में, ऑपरेशन जागृति का, जिसमें एडीजी जोन मैडम का इनिशिएटिव है और वो मथुरा में उसकी लॉन्चिंग हो रही है, तो SP साहब वहाँ पे अटेंड करने गए हैं। उसमें एक YouTube का लिंक है जो 11 बजे से लॉन्चिंग होगी, मैं उसमें आपसे अनुरोध करूँगा कि उसको भी आप देखें। मिशन शक्ति की तरह ऑपरेशन जागृति भी पूरे इधर जनपद में आज के डेट से लागू होगी, ब्लॉक स्तर पे, और जितने भी ब्लॉक के गांव हैं सब कवर होंगे। खैर, तो मैं अब ट्रैफिक मंच पे आता हूँ। ट्रैफिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो सुना आपने। वहीं इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की, और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया, अब जरा यह भी सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं, माह नवंबर को पूरे देश में ट्रैफिक मंथ के रूप में मनाया जाता है, और पूरे मंथ में कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करके स्कूल्स में और व्यापार मंडल के माध्यम से, टेम्पू टैक्सी यूनियन के माध्यम से अवेयरनेस और एजुकेशन दी जाती है कि लोग रोड सेफ्टी का ध्यान रखें, ट्रैफिक नियमों के रूल्स का पालन करें। पुलिस को भी बताया जाता है कि इन्फोर्समेंट में क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। रोड इंजीनियरिंग के बारे में भी अन्य डिपार्टमेंट्स, अन्य स्टेक होल्डर से बात करके पूरे महीने कोई ना कोई कार्यक्रम चलाया जाता है। उसी के क्रम में आप देखेंगे आज जनपद मैनपुरी में ट्रैफिक मंथ का शुभारम्भ हुआ है, और पूरे महीने क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए हैं उसका सब एक चार्ट बन गया है, और इस तरह स्कूली बच्चे भी यहाँ पे शामिल हुए, उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में आज जानकारी दी गई। एक आप देखेंगे उनके द्वारा अभी एक मार्च किया जा रहा है, तो पूरे महीने अवेयरनेस का प्रोग्राम चलेगा। रफ्तार का रोमांच की वजह से सर्वाधिक 67% अपनी जान गंवाती है, क्या जागरूकता किस तरीके से युवा को जागरूक करेंगे, और ये भी देखा गया है गड्ढे युक्त सड़कों पर लोगों की जान न जाके सपाट सड़कें थी उन पे वो जान गमाए। ये चीज़ भी मेरे द्वारा जिनको बताया गया, जो स्कूली बच्चे आए हैं, कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, और सड़कें जब अच्छी हो जाती है तो लोग बहुत रोमांच में स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, जिससे एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है।
तो उस पर अपने जो स्पीड होती है उसको नियंत्रित रखें, हेलमेट प्रत्येक दशा में लगाएं, फोर व्हीलर में है तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए उन्हें बताया गया है और ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें।